कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 40% जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं महिलाओं को मिलेंगी, पहले के आरक्षण के तहत ही। कांग्रेस पार्टी कह रही है 25% पुलिस कर्मी हम जब भर्ती करेंगे तो महिलाओं को करेंगे। हम कह रहे हैं कि आपके लिए जब आप अस्पताल जाती हैं, ब्लॉक के अस्पताल में जाती हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है कि नहीं? आपकी कोई निजी समस्या है, सेहत की समस्या है, आप तो बात भी नहीं कर सकती उनसे। हम कह रहे हैं कि आपके लिए एक महिला डॉक्टर हर ब्लॉक के अस्पताल में होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि छात्राओं को सशक्त बनाना है, छात्राओं को मोबाइल फोन मिलना चाहिए मुफ्त में ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए, ताकि कहीं जा रही है उनकी सुरक्षा भी हो, माँ बाप को फोन कर पाए, भाई को फोन कर पाए, बहन को फोन कर पाए कि हम यहाँ हैं। हम कह रहे हैं कि स्कूटी मिलनी चाहिए जो स्कूल से ज्यादा आगे पढ़ना चाहे उसको, ताकि सुरक्षित रहे। हम कह रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए महिलाओं को, कि आशा बहुओं आंगनवाड़ियों की जो का जो मानदेय वो बढ़ना चाहिए 10,000 रुपए तक। ये क्या कह रहे हैं? लो एक गैस सिलेंडर मुफ्त ले लो, लो एक राशन का बोरा ले लो, लो खाता खोल लो, जब हमारा दिल करेगा, जब चुनाव आने लगेगा, हम थोड़े से पैसे भेज देंगे दीदी तुमको। यही कह रहे हैं ना? क्यों? वो नहीं चाहते कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। महिलाएं क्या? वो नहीं चाहते कि नौजवान आत्मनिर्भर बने, वो नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े, क्योंकि जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, आप सशक्त बन जाएंगे, तो उनकी बातों को कौन पूछेगा।